दिस इज योर देहरादून वाला और आज को मैं आपको बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है इस महा सेल में। इन्होंने सबसे सच मानो तो बना दिया है हमारा। तो और आज की खास बात यह है कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पर एक, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ये मैं चैनल जो बना रहा हूँ किसके लिए, मेरा वीलॉग चैनल है। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा टूर करके लिए जाना पड़ता है, जैसे कहीं ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ तो कभी दोस्तों के साथ जाएंगे या कहीं जाएंगे। तो हमने सोचा था कि चॉपर हम मंगाएंगे ना, प्याज काटने, लहसुन काटने, चिकन मटन बनाना है तो उसके काम आएगा ये। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट से मैंने ये ऑर्डर किया था, ये चॉपर है। चॉपर आप समझते होंगे, प्याज लहसुन काटो जब चिकन बनेगा कहीं पहाड़ों में नदी के किनारे, तो वहाँ पर ये रस्सी से खींच के बढ़िया सा चॉपिंग हो जाती है। लेकिन क्या करें, इस पे देखिए प्राइस लिखा हुआ है 450 रुपए। इस पे अगर आपको दिख रहा होगा तो 450 रुपए का प्राइस है। इसका बिल भी दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट पे देख रहे होंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि ये कितने में मेरे को दिया। इन्होंने 735 रुपए में इनको लिखा, और जबकि इनके बॉक्स पे, इस बॉक्स में साफ साफ लिखा हुआ है 450 रुपए। मतलब एक तो, और ऊपर से मेरे को और ज्यादा बुरा ये लगा कि मेरे दोस्त मुझे कह रहे कि भाई ये तो 250 रुपए में मिल जाएगा तेरे को, तू कहां फ्लिपकार्ट चोर के चक्करों में पड़ गया। तो ये चोर कंपनी के साथ जो ये चोर सेलर्स इसमें लगे हुए हैं, इन लोगों से आप बच के रहिए और प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए। इन्होंने देखो प्राइसिंग में कितना बड़ा मार्जिन ले दिया और सेल में मुझे इन्होंने दिया है, तो सोच सकते हैं आप कि सेल में इन्होंने कितने लोगों को और उल्लू बनाया गया होगा। तो अगली बार से आप उल्लू ना बने, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और कोशिश करें कि आप, मैं आज के बाद तो फ्लिपकार्ट से कुछ लेने वाला हुई नहीं, कब कसम खाली है तो ले लूंगा। इनसे मैंने एक और सामान मंगाया था, वो भी डिफेक्टिव निकल रहा है, बहुत सारे सामान मेरे डिफेक्टिव निकल चुके हैं। आपको मैं इसलिए वीडियो बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि हर कोई बड़े सपनों से और बड़ी उम्मीदों से कोई सामान मंगाता है और जब देखता है कि उनके साथ ऐसी लूट मचा दी गई है, तो ऐसी कंपनियों को सावधान रहे, ऐसी कंपनियों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। आप क्लियरली देख सकते हैं 450 रुपए लिखा गया है बॉक्स पे, अगर आप देखेंगे 450 रुपए लिखा गया है। ये इसका फ्लिपकार्ट का डब्बा है, इसके अंदर बिल भी है, मैं वो भी दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट पे, आप देख सकते हैं जो बिलिंग मेरी ऐप में हो रही है वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। गलती से भी इनसे कोई प्रोडक्ट आज के बाद मत मंगा लेना, अगर आप मेरी बात मानोगे। अभी तक मेरा चैनल भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसे ही मैं लूटता रहा तो बर्बाद हो जाएंगे और लोग भी, हो सकता है देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट का लिंक दिया गया है, अगर आपको भी खरीदना तो आप वहां से खरीद सकते हैं, अगर आप खरीदना चाहते हो। मैंने इसको वैसे रिटर्न में डाल दिया है, अब पैसे देखते हैं वापस आएंगे या रिप्लेसमेंट आएगा क्या आएगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन मैंने इसको रिटर्न में डाल दिया है। तो ये वीडियो मैंने बस इसीलिए बनाई थी कि ताकि आप लोग भी आगे से थोड़ा अवेयर रहें और सेल्स के चक्कर में ना पड़े। मुझे नहीं पता था, मैंने भी सिर्फ सुना था कि भाई फेसबुक और ये फ्लिपकार्ट वाले बहुत लूटते हैं और गलत गलत तरह की सेल दिखाते हैं। और जब से इसमें वॉलमार्ट का एनरोलमेंट हुआ है तो इनको तो लगता है कि इंडियंस को बस लूट लो किसी भी तरीके से। और यहाँ अमिताभ बच्चन की फोटो लगा करके, विराट कोहली की फोटो लगा करके, पता नहीं कितने हजार करोड़ की बचत दिखा करके, यहाँ देखो ये है बचत, ये बचत मेरी है और यहाँ मेरी खून पसीने की कमाई इन्होंने लूट ली है 735 रुपए, वो भी सिर्फ और सिर्फ 450 रुपए का लिख करके आ रखा। मतलब ऐसे तो ये बेवकूफ भी हैं, आप समझ सकते हैं। तो आगे से आप ध्यान रखें, कोई भी सामान ले तो प्राइस, रिटेल प्राइस जरूर चेक कर लें और अदर डिफरेंट वेबसाइट्स पे भी प्राइस को चेक कर लें। ये बात मुझे अब सबक मिला है, आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने देहरादून वाले के साथ।